सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम घूमने वाले हैं भुवनेश्वर में। और दोस्तों, भुवनेश्वर में एक म्यूजियम है जो कि खंडगिरी से आगे थोड़ा जाओगे तो उस जगह का नाम है दोस्तों जागमरा। और उस म्यूजियम में आज हम जाने वाले हैं और दोस्तों वीडियो में देखेंगे ये म्यूजियम है क्या और दोस्तों इसके अंदर क्या चीज़ हमें देखने के लिए मिलता है, ये सब चीज़ आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो अभी हम एंट्री कर चुके हैं इस पार्क के अंदर। सबसे पहले तो दोस्तों टिकट लेना पड़ता है, यहाँ पर 50 रुपीज़ का टिकट ले लिया हमने। दोस्तों 50 रुपीज़ टिकट लेने के बाद हम थोड़ा बहुत अंदर चलते हैं। अंदर जाने के बाद दोस्तों ये जो नज़ारा है, इसका नेचर जो पेड़ पौधे लगाए हुए बहुत अच्छा सुंदर दिख रहा है। और दोस्तों पत्थर से सजाया गया है, जैसे कि गांव में खेती बाड़ी वगैरह करते हैं बिल्कुल उसी तरह से ये रास्ता भी बनाया गया है। और ये दीवारें वगैरह ये सब दुर्ग टाइप के बना हुआ है जो राजा महाराजाओं के टाइम का होता है उसी टाइप का। ये सब देखने के बाद दोस्तों अब हम एंट्री करते हैं अंदर में। यहाँ सबसे पहले सिक्योरिटी मैडम खड़े हैं, इनको टिकट दिखाना होगा और अंदर एंट्री करना होगा। तो दोस्तों अंदर एंट्री कर लेते हैं टिकट दिखाने के बाद। और यहाँ पर हमें काफ़ी सारा पुराने चीज़ें देखने के लिए मिल जाता है जो कि राजा महाराजाओं के अमल में ये सब था, वही चीज़ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। बाकी आप लोग अगर गेस कर चुके हो कि ये कौन सा म्यूजियम है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हमें देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों, बहुत पुराने पुराने चीज़ें हैं जो कि स्मृति के लिए यहाँ पर रखा गया है। ये प्लेस बिल्कुल पीस लगता है, आप यहाँ पर आओगे तो बिल्कुल शांति ही शांति है। थोड़ा बहुत घूमने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमने आ चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हो ये जलाशय है। एक्चुअली में ये पहले से था या नहीं था इसके बारे में तो मैंने देखा नहीं कि पढ़ा नहीं, तो पहली बार मैंने विजिट करने आया हूँ तो सोचा कि वीडियो बना के दिखा दें। ये दोस्तों पहले ज़माने के जो कॉटन बनते थे कैसे बनते थे, और दोस्तों हमारे पूरी धाम जो है जो रथ बनाते थे वहाँ पर वही रथ यहाँ पर बनाया गया है दिखाने के लिए दोस्तों। और यहाँ पर बहुत सारे हैंडक्राफ्ट है, ये सब हाथों में बनाया हुआ है दोस्तों। चलिए इसको भी थोड़ा सा देखते हैं और दोस्तों आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ये सब हैंडक्राफ्ट है दोस्तों, ये म्यूजियम का नाम है दोस्तों। भुवनेश्वर क्राफ्ट म्यूजियम, तो यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाए। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं दो घोड़े भी यहाँ पर मिल जाता है और ये विमान है जो कि भगवान को ले जाया जाता है दोस्तों। और ये बहुत सारे पुराने चीज़ें, ये सवारी है उस ज़माने की। और ये दरवाज़ा देख सकते हो आप, राजा महाराजाओं के ज़माने का दरवाज़ा था ये। यहाँ पर आता है जो दोस्तों जो ट्राइबल की जो हथियार वगैरह होता है और वो कैसे यूज़ करते थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कॉटन धागा है सिलता है वो धागा को अलग करने वाला मशीन है, इसको आपके साइड में क्या बोलते हैं ये सब चीज़ों को, तो दोस्तों वीडियो में कमेंट करके बताना। और ये हथियार वगैरह है, भाला है, कुल्हाड़ी है, तलवार है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखा गया है।
और ये आप देख सकते हैं, ये कुछ चीज़ें भी ऐसा ही है दोस्तों जो बैल के गले में डालते थे घंटी लगाने के लिए। और ये कुछ फोटो वगैरह है हमारा जो संस्कृति का जो परंपरा है वही परंपरा के फोटो वगैरह यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा जो कि हैंड क्राफ्टेड है दोस्तों। और जो रथ बनाते थे उसी कैसे रथ बनाते हैं वही सब फोटो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ये देख सकते हैं हमारा जो पूरी धाम है, चारों धाम में से एक धाम पूरी धाम। तो यहाँ पर जो भगवान जी है उनका मंदिर भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और ये उसी टाइम का दोस्तों जो सवारी होता था बैलगाड़ी। और यहाँ पर दोस्तों हम आ जाते हैं ये पूरी के अरुण स्तंभ, और सामने आप देख सकते हैं हमारा भगवान जी श्री जगन्नाथ जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं फोटो के माध्यम से दिखाया गया है कितना सारा लोग आते हैं दोस्तों रथ यात्रा देखने के लिए। और यहाँ पर थोड़ा सा आते हैं देखते हैं, यहाँ पर भी दोस्तों बहुत सारे फोटो वगैरह लगाया हुआ है, नाव वगैरह का चित्र भी यहाँ पर किया गया है। और बाकी मिट्टी का बर्तन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये मूर्तियाँ वगैरह भी यहाँ पर है आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा जो धाम में चारों धाम में से एक धाम पूरी धाम वही श्री जगन्नाथ जी है। और दोस्तों थोड़ा बहुत बाहर का हवा लेते हुए आप लोगों को दिखा दें कि चारों तरफ कैसा बना हुआ है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।